Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सलमान खान ने लगाई प्रतीक सहजपाल की बहुत तगड़े वाली क्लास और इस कंटेस्टेंट को भी दे डाली वार्निंग। दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों बात करते हैं पहले वही गुजारिश जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल, हमारा क्या आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकॉन भी दबा देता जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों इंतजार था बिग बॉस देखा हमने, इंतजार था वीकेंड का वार का कि पहला वीकेंड का वार कैसा होगा, किस किस की क्लास लगाई जाएगी, बहुत सारी चीजें हुई। यहां पे डिफरेंस पता चलेगा कि भैया करण जौहर और सलमान खान के बीच में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है भाई। तो वहां पे जो आदतें ओटीटी की लगी हुई थी यहां पे भी हुई, प्रॉपर्टी तोड़ने का, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का, जो कि प्रतीक सहजपाल ने बार बार किया। सलमान खान ने बहुत जबरदस्त तरीके से प्रतीक सहजपाल की क्लास लगाई इसको लेकर, प्रॉपर्टी को, बिग बॉस की प्रॉपर्टी को तोड़ने को लेकर। और अब देखते हैं कि क्या आगे जाके प्रतीक सहजपाल सुधर पाएंगे या नहीं सुधर पाएंगे, ये देखना है। तो लगता तो नहीं है कि सुधरेंगे, क्योंकि जब तक जो है बिग बॉस के घर से निष्कासित नहीं किया जाता किसी को, तब तक नहीं समझ आता। लोग सोचते हैं कि वीकेंड का वार में थोड़ी सी क्लास ले लेंगे फिर से, बाकी तो 6 दिन अपने ही है ना। तो और दूसरा विशाल खोटियान को की भी उनको कहीं ना कहीं वार्निंग दी सलमान खान ने। सलमान खान ने कहा कि आप बहुत अच्छा एंटरटेन कर रहे हो, बढ़िया जा रहे हो, पर इस जोन में मत जाओ। जैसा कि उन्होंने मेकर्स को कहा था ना कि आप में हिम्मत है, तो ये मुझे नहीं लगता उनको चैलेंज किया था कि भैया ये शो इनका है, इनसे ऊपर कुछ भी नहीं है, उस जोन में आप ना जाओ तो अच्छा है। तो अब देखते हैं कि विशाल कोटियन काफी समझदार है, मुझे लगता है कि वो सलमान खान की बात को पल्ले बांध देंगे और आगे गेम को उस हिसाब से चलेंगे। लेकिन अपना प्रतीक सहज पर, प्रतीक का क्या है कि प्रतीक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये ले लेता कि भैया शो का पूरा दारमदार मेरे सर पे है, मुझे ही करना है, चाहे मैं प्रॉपर्टी तोड़ूं चाहे कुछ करूं, लेकिन मैं दिखूं, मुझसे ऊपर कोई ना दिखे। तो अब इस चीज में आगे जाके क्या सुधार होता है ये देखना होगा। तो आपका क्या है इसके बारे में कहना, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।